दोस्तों, अब हम हिबिकस पौधों के बारे में जानते हैं। हम यह जानने जा रहे हैं कि हिबिकस पौधों को कैसे रोपित किया जाए और कैसे रोपे गए पौधों को बेहतर तरीके से उगाया जाए। सभी समान चीजों के बारे में जानते हैं। अब हम सभी समान में थोड़ा सा दही मिलाएं और पूरी चीज को फिर से अच्छी तरह से मिलाएं, फिर से थोड़ा दही डालें और इसे सावधानी से लें। बर्तन ले और इसे 2 से 3 इंच मिट्टी में डालें और इसे नर्सरी से लाए गए 2 प्रकार के दही के साथ अच्छी तरह मिलाएं। ले और उन्हें एक बर्तन में डालें और इसमें थोड़ा दही डालें और फिर इसमें कुछ मिट्टी डालें और इसे फिर से पकड़ें। प्रकार का उर्वरक पौधे के बढ़ने के लिए अच्छा होता है। एक अन्य प्रकार का उर्वरक फूल लगाने के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि हर कोई जानता है कि मैं जो चीज खो रहा हूँ उसका लाभ क्या है, क्योंकि धनालक्ष्मी को मापा जाता है।